हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जब भी आप किसी फैक्ट्री से बाय करना है, लाइक इफ़ यू आर ए इम्पोर्टर और कहीं आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो सप्लायर के रिगार्डिंग आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे हमने देखा था कि आइदर आपका मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके एक्सपर्टीज ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है उसका, उसको क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर आप उससे क्वेश्चंस करने हैं। देन वो फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं, और कम्युनिकेशन गैप के रिगार्डिंग। तो ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, एक छोटे सा वीडियो में। अब इसके आगे की बात करेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब भी आप बात करोगे कि मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, तो समझना इस पॉइंट को कि क्या करने की कोशिश करो। अब वो आप वेरीफाई कैसे करोगे अपने लेवल पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट या किसी और बॉडी से नहीं, आप अपने लेवल पे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, अगर वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर से, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सप्लायर का कंपनी नेम, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर, उसका फैक्स नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह, फैक्ट्री एड्रेस आपको वेरीफाई करना है। अब इसके वेरियस वे है कि आप उसको कैसे वेरीफाई करते हैं, बिकॉज आपको तो फ्रॉड से बचना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे, इसमें चीज़ें हैं, आगे वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा इसके पॉइंट्स में बताता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी उसका जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें हैं उसका, है ना, लोकल का ऑफिस का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें उसका बैंक डिटेल के साथ मैच करो। आप पहले आपको बैंक डिटेल्स ऑब्वियसली वो देगा, तो बैंक डिटेल्स में भी एड्रेस मेंशन होते हैं, तो बैंक डिटेल्स और कंपनी की चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया में उसका प्रेजेंस देखो। आज के डेट में सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो वो वेबसाइट पे दिखा रहा है और जो वो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है और जो बैंक का डिटेल्स है, क्या वो इंटरकनेक्टेड है कि, ठीक है, ये अपने लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ वो अपने लेवल पे आप देख सकते हो। उसके बाद आप कस्टमर के रिव्यू ले सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि बायर्स के रेफरेंस मांग सकते हो। कोई आपको जल्दी से बायर का रेफरेंस नहीं देगा, एवरीबडी नोज कि वो उसके बायर है, बट आप क्या कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर केस, आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हो कि सर शो मी योर प्रीवियस शिपमेंट्स वगैरह, ऐसा आप बोल सकते हो उनको। उससे क्या होगा, उनको अगर बायर की इन्फॉर्मेशन हाइड करके दो या तो शिपिंग बिल्स दिखाओ, तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ दीज आर पीपल जो आपको एक्सपोर्ट करके दे देंगे। उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसा एनालाइज करेंगे क्या है, देखिए आप उसमें जब डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो ना, तो उसमें ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखा होता है, क्योंकि मेजोरिटी इंडिया में क्या होता है कि जब आप एक्सपोर्टर हो, न्यू कमर्स हो, आपको एक्सपोर्ट का स्टार्ट करना है, लोग बोल देते हैं हम 1990 से काम कर रहे हैं, 80 से काम कर रहे हैं, बट उसका वेरीफाई करने का तरीका है, बहुत सिंपल चीज़ है वो। तो जब आप सप्लायर को वेरीफाई करना है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह कब का है, कब से है, जब आप डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो तो उसमें ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिखता है, तो जितनी पुरानी कंपनी होगी ऑब्वियसली वो आपको अच्छे से मतलब ट्रीट कर सकता है, उनका काम उस लेवल का होगा। अब उसका टर्नओवर भी ऑब्वियसली दिख जाता है, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ पे आप कंपनी का नाम डालो आपको उसका टर्नओवर दिखता है। फॉर एग्जांपल आपको DNB में भी दिख जाता है उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, राइट। उसके बाद आप बात करो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, क्योंकि अगर एक छोटा ट्रेडर होगा ना, आप सैंपल का रिक्वेस्ट जब करते हो ना, सैंपल्स, तो आपको सैंपल देने में उसको हर्ज नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी टाइम लोग आपको सैंपल फ्री में दे देंगे, बट बोलेंगे कुरियर के चार्जेस आपको बियर करने पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट आप वो चार्जेस बियर कर सकते हो, बट मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है, कभी कभार लोग बोलते नहीं हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ओनली 5 है, ये है, 5000 है, 10000 है, तो आपको समझना चाहिए कि अगर एक कोई बड़ी कंपनी है एकदम छोटे से ऑर्डर कैसे वो कर सकते हैं, लाइक अगर 50 का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट कि क्या है, बट उस चीज़ के ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरा था डॉक्यूमेंट चेक कैसे करोगे आप तो डॉक्यूमेंट का, सॉरी, पर्सनल लेवल पे आप कैसे करोगे, एक तो बिजनेस लाइसेंस आप मंगवाओगे, जो भी जैसे इंडिया में IC कोड होता है, GST नंबर होता है, अदर डॉक्यूमेंट्स होता है, वैसे आप किसी भी सप्लायर से काम करते हो तो उसको आप बिजनेस लाइसेंस मंगवाओगे, ठीक है। दूसरा होता है सर्टिफिकेशन, जैसे होता है ना ISO 9001 वगैरह, तो जिस भी प्रोडक्ट का है उसका ISO स्टैंडर्ड हो गए उस कंट्री के हिसाब से, जो भी उसका होगा आप वो मंगवा सकते हो, है ना। अदरवाइज तीसरा आप देख सकते हो VAT, है ना, जैसे वैल्यू एडेड टैक्सेस, तो उसका डिटेल्स इनवॉइस के वगैरह होते हैं, तो वो डिटेल्स मंगवा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप उससे बात करोगे प्रोडक्ट कैटलॉग, उसने क्या क्या वहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये पॉइंट होने के बाद लोकलाइज से भी आप बात कर सकते हो, जो भाई आप वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हायर देम। और उसके अलावा अदर टिप्स में उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि जैसे सपोज करो चाइना में है कोई, एंड यू वॉन्ट टू बाय फ्रॉम चाइना, तो वहाँ पे जितने में कैंटोन फेयर्स होते हैं,
तो वो बोलता है ना कि मैंने कभी कभार यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, पूछो कि आपने किसी ट्रेड शो में पार्टिसिपेट किया है क्या, अगर वो बोलता है हाँ तो वहाँ पे फ्री में लिस्ट मिलता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप किसी भी ट्रेड शो का फ्री में लिस्ट निकाल सकते हो और उसको वेरीफाई कर सकते हो कि उस बंदे ने सच में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं, वो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सप्लायर कम्युनिकेट करने में मतलब पोअर कम्युनिकेशन कर रहा है, आप आज बात करो 2-3 दिन बाद रिप्लाई दे रहा है, तो समझ तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप किसी और पार्ट लाइक सप्लायर पकड़ लीजिए, मतलब अ पर्सन शुड बी एक्टिव, राइट। उसके बाद सैंपल का रिक्वेस्ट कीजिए। कभी कभार ना जो छोटे सप्लायर्स होते हैं ना, वो चाइना की बात नहीं करो, अपना चाइना को भी कंसिडर कर सकते हो, बट आप एक वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ। कभी कभार जब एक जितने भी कंपनीज होती है ना, वो रेंटेड होती है, रेंटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके, ये वो कभी कभार किसी के छोटे हब हो सकते हैं, तो उसका एड्रेस मैच नहीं करता। सो आई एम नॉट सेइंग कि अगर एड्रेस मैच नहीं हुआ तो वो जेन्युइन नहीं है, बट उसका वेरीफाई करने का तरीके होते हैं बहुत सारे। सो अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी सीखना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ये एक छोटा सा वीडियो था, इसके ऊपर हम जब सेशन में बात करेंगे तो हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।